हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 15 अगस्त 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी भारत का एग्जाम हो या मध्य प्रदेश का एग्जाम हो। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने डाली हैं और 2020-2021 दोनों साल का करंट अफेयर मैं रेगुलरली आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अदर पूनावाला। अदर पूनावाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें ये सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में कोविशील्ड नाम का टीका बनाया है जो कोरोना वायरस पर लागू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अदर पूनावाला। हाल ही में किसे स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है सोनू सूद। सोनू सूद को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें नेक्स्ट ईयर 2022 में रूस में होने वाले विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता की है? तो इसका सही ऑप्शन है UNSC। सही ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा UNSC की अध्यक्षता की है, और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, भारत 8वीं बार इसका सदस्य बना है, और जो पहली बार बना था वह 1950 से 51 के बीच में भारत UNSC का सदस्य बना है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है दोस्तों कि अगस्त माह में भारत ने UNSC की अध्यक्षता की है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लेखा और महानियंत्रक बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दीपक दास। हाल ही में दीपक दास को नया लेखा और महानियंत्रक बनाया गया है। 1986 बैच के ICAS अधिकारी हैं और ये भारत के 25वें महालेखा नियंत्रक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा दिया, निम्न में से किसके प्रमुख सचिव रह चुके हैं? तो दोस्तों, अमरजीत सिन्हा ये प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव। 1983 IAS बैच बिहार के अमरजीत सिंह कैडर के अधिकारी हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव थे, और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव थे PK मिश्रा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, और उनके बाद ये अमरजीत सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पद से इस्तीफा दिया है। इज ऑफ डूइंग पहल के तहत हाल ही में किस राज्य ने अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच अवार्ड जीते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल में राज्य में अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच अवार्ड जीते हैं। बात आइए पश्चिम बंगाल की, तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में बता। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल राज्य की है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। कोलकाता यहाँ की राजधानी है और राज्यपाल जगदीप धाकड़ हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लोकसभा की 42 और राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। टोक्यो पैरा ओलंपिक हेतु भारतीय टीम सॉन्ग निम्न में से कौन सा रखा गया है? जिसका सही ऑप्शन है कर दे कमाल तू। दोस्तों, कर दे कमाल तू ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का भारतीय थीम सॉन्ग रखा गया है। आपको बता दें वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर हैं। चंगवन यानी 54 पैरा एथलीट अब तक के सबसे बड़ा दल टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से जा रहा है, और इसमें जो ध्वजा वाहक होंगे वह मरियप्पन थंगावेलु होंगे जो हाई जंपर हैं। हाल ही में पद्म सचदेव का निधन हुआ, यह निम्न में से किस भाषा की कवयित्री थी? तो इसका सही ऑप्शन है डोगरी। डोगरी भाषा की ये कवयित्री थी, इनका नाम है पद्मा सचदेव, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2001 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की पहली जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम विक्रांत रखा गया है। आपको बता दें ये नौसेना के द्वारा नाम दिया गया है। इसका जो वजन है वह 40,000 टन, यानी ये जो विमान वाहक पोत है वह 40,000 टन अपने साथ कैरी कर सकता है। 30 लड़ाकू विमान इस पर उतर सकते हैं। इसे बनाने में कुल 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके 2021 में पूरे ट्रायल होने के बाद नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका नाम है विक्रांत। निम्न में से किसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजीव गांधी अवार्ड। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, ध्यानचंद जो हमारे बेस्ट हॉकी प्लेयर थे, इनकी स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। दोस्तों जो पहला ध्यानचंद अवार्ड है वह विश्वनाथन आनंदन को दिया गया था, जो चेस के महान प्लेयर हैं। 2020 में यह अवार्ड 5 लोगों को दिया गया था। तो इतने फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अन्न उत्सव की शुरुआत कहाँ या किस राज्य में की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अन्न उत्सव की शुरुआत की गई है। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को तथा देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। चलिए बात आई मध्य प्रदेश की, तो चलिए मैप में आपको इसके बारे में बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश राज्य की है और ये ब्रॉड मैप है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी यहाँ की भोपाल है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। 230 विधानसभा सीट है। राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश में। वहीं अगर पुरस्कार की बात की जाए तो कालिदास, शिखर तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व, ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पेंच, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, ये प्रमुख उद्यान है मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो बाघ है उनका घनत्व सबसे ज्यादा देश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट है जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश में चचाई बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये प्रमुख जलप्रपात हैं। और बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और वारणा, ये प्रमुख मध्य प्रदेश के बांध हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है विदिशा। संजय सागर बांध विदिशा में स्थित है। दोस्तों यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में 1161 वाक्य को संसदीय घोषित किया, अघोषित, यहां पर दोस्तों अघोषित है, अघोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1161 वाक्यों को असंसदीय घोषित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। जैसे कि दोस्तों कौन कौन से वाक्य हैं, तो आप विधानसभा में बैठ के बंटाधार, फेंकू, पप्पू, मामू जैसे शब्दों को नहीं बोल सकते हैं, और यही कुछ शब्दों को विधानसभा में बैन किया गया है। हाल ही में भारत के किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 युद्ध अभ्यास किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने यूएई के साथ मिलकर जायद तलवार 2021 युद्ध अभ्यास किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूएई। चलिए दोस्तों बात आइए यूएई की, तो आपको मैप में और इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की चर्चा करें। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है यूएई की। यूएई का पूरा फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात होता है। राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति खालिद बिन जयान अल नहयान है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ हाल ही में किस शहर से किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है महोबा। महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों महोबा यूपी का एक जिला है। 2016 में यह उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, जिसका टारगेट 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटना रखा गया था। यह टारगेट पूरा कंप्लीट किया गया है। इसके बाद 2021 में उज्ज्वला योजना का 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रदेश में
नवासी स्टेडियम बना रहा है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य अपने स्टेट में नवासी स्टेडियम बना रहा है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों अब ये नवासी स्टेडियम आपको बता दें हॉकी से रिलेटेड होंगे। जैसा कि आपको पता है जो भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सरशिप है वह उड़ीसा स्टेट के पास ही है और इसे प्रमोट करने का दायित्व उड़ीसा ने ही लिया है। बात आई है उड़ीसा की तो आपको मैप में ये दिखा दे, ये आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में, राजधानी भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यसभा की 10, लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं उड़ीसा में। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ का मैमल कौन सा है तो उड़ीसा का राजकीय मैमल है सांभर, बर्ड है इंडियन रोलर। अगर बात की जाए महानदी महाशीत यहाँ की राजकीय मछली है, अगर सेक्रेट फिर यहाँ का ट्री है, और अगर फूड की बात की जाए तो पखाला यहाँ का फूड है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जैसा कि आपको पता है इसे इंग्लिश में जेवलिन कहते हैं और हमारे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का 122वां स्थान है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 122वां। दोस्तों इसमें जो पहले नंबर पर है वह सिंगापुर है। राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा यह वैश्विक युवा विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का 122वां स्थान है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो दोस्तों ये है DRDO। हाल ही में DRDO संस्था के द्वारा क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये परीक्षण बालासोर उड़ीसा से किया गया है। बात आई है DRDO की तो आपको इसके बारे में बता दें, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया था। इसका मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जो चेयरमैन है वह जी सतीश रेड्डी है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी निम्न में से कौन सी बनी है, तो दोस्तों देश की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर बनी है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। 15, दोस्तों बड़े नालों में से 7000 पॉइंट पर सीवरेज नदी में जाने वाला पानी रोका गया है, इसलिए यह वाटर प्लस सिटी बनी है इंदौर, पहली देश की। दोस्तों बात आई है इंदौर की तो आप मैप में ये लोकेशन देख पा रहे होंगे इंदौर की है। इंदौर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही स्थित है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग की स्थापना इंदौर में की गई है। भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू है जो इंदौर में है, और सर्वप्रथम कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश में इंदौर में ही लागू की गई थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए इंदौर के बारे में। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का आयोजक देश कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। रूस इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का आयोजक देश है। दोस्तों इन्हें आर्मी ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है, तो ये इतना आपको याद रखना है। बात आइए रूस की तो चलिए आपको रूस के बारे में बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे ये रूस की है। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मुस्तिन है, और यहाँ की जो मुद्रा है वह है रूसी रूबल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है देश में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। कॉलेज में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए हैं 2021 में। सांसद विधायक हेतु भोज विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी, ऐसा भी इस शिक्षा नीति में शुरू किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। हाल ही में बीडी मिश्रा को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, तो दोस्तों बीडी मिश्रा को मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है।
सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजीव गांधी के नाम का अवार्ड हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राजीव गांधी के नाम का अवार्ड शुरू किया गया है जो सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें यह अवार्ड 20 अगस्त को शुरू किया गया है जब राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। दोस्तों बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए आपको मैप में महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ये लोकेशन है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात इन्वेस्टर समिट में किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया गया है। डूरंड कप 2021 में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों डूरंड कप 2021 का 130वां संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 130। दोस्तों आपको बता दें डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और ये एशिया का सबसे पुराना कप है जिसकी शुरुआत 1888 में हिमाचल प्रदेश से की गई थी। तो आपको याद रखना है डूरंड कप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि इसने हाल ही में 130 वर्ष पूरे किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त। यूएन के द्वारा 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 में जो थीम है वह ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, ये रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हाल ही में गंगा प्रसाद को किस राज्य का नया गवर्नर बनाया गया है? तो दोस्तों गंगा प्रसाद को हाल ही में मणिपुर का नया गवर्नर बनाया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों गंगा प्रसाद सिक्किम के भी वर्तमान में गवर्नर हैं। बात आई है दोस्तों सिक्किम की, तो चलिए आपको सिक्किम के बारे में बता दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है जो इसे संघ में प्रवेश किया गया था 1975 में। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1 यहाँ पर सीट है। अगर स्तनपाई की बात की जाए तो रेड पांडा मैमल है, राजकीय मैमल है। और अगर पक्षी की बात की जाए तो रक्त तीतर यहाँ का राजकीय मैमल है। हॉकी महिला हॉकी टीम को मध्य प्रदेश सरकार ने कितने रुपए की राशि प्रदान की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हॉकी जो महिला प्लेयर हैं उनके लिए 31 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31 लाख प्रत्येक खिलाड़ी के लिए। दोस्तों प्रत्येक खिलाड़ी के लिए ये 31 लाख रुपए दिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह जो लैब और जो रिसर्च सेंटर है वह केरल में शुरू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। ये पहला देश का ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर है जहां पर ड्रोन पर रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस यानी पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इसकी घोषणा की है। आपको जैसे कि पता होगा 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था और इस समय पर बहुत सी मौतें हुई थी, बहुत से कत्लेआम किए गए थे और इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा तेलंगाना में यह मोहम्मद आजम को दिया गया है। दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत 2014 से की गई थी। आपको बता दें ये जो मोहम्मद आजम है यह तेलंगाना के रहने वाले हैं। 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो जैसा कि आपको पता है 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया गया है। दोस्तों इस बार जो इसकी थीम है वह नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम रखी गई है 2021 में। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 में भारत 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाएगा और इसी के लिए यह लक्ष्य रखा गया है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 1 से 15 अगस्त 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं अकेले इस वीडियो को बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इस आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल आईडी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।